सो लेट्स प्रैक्टिस द सॉल्युबिलिटी टेबल अगेन. तो अब मेरे पास यहाँ पे 12 मैंने कंपाउंड्स ले रखे हैं, ठीक है ना. तो ये दीज आर वेरी कॉमन एंड वेरी व्हाट यू कैन से नोन टू कंपाउंड, और ये हम लोग अपने नॉर्मल इक्वेशंस में देखते रहते हैं, ठीक है ना. जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे. तो बेटा जहाँ पे भी हमारे को ग्रुप वन एलिमेंट्स, हमारे को पता है ऑलवेज सॉल्युबल कौन से रहते हैं, ग्रुप वन एलिमेंट्स. तो कहीं पे भी अगर हमारे को ग्रुप वन एलिमेंट्स दिखता है, दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज ऑलरेडी सोल्यूबल, ठीक है ना. तो अब हमारे को भी पता है कि Cl इज अ हैलोजन, ठीक है ना, कमिंग इन अ ग्रुप 17 कंपाउंड, ठीक है. ग्रुप 17 में आता है Cl, सो ऑब्वियसली बात है कि दिस इज गोइंग टू बी एन एक्वस, ठीक है. दैट्स द रीजन NaCl इज ऑलवेज गोइंग टू बी ओनली एक्वस स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है. नाउ अब KOH में देख लेते, तो K अगेन इट्स अ ग्रुप 1, ठीक है ना, कंपाउंड. हाइड्रोक्साइड दो इट इज़ इनसॉल्यूबल, बट विद के इट बिकम्स सॉल्यूबल. सो दैट्स वाई माई आंसर इज एक्वस व्हेन आई एम राइटिंग KOH एज अ कंपाउंड, ठीक है. अब आ जाते हैं AlOH3 पे. अगेन OH3, ठीक है ना, इज इनसॉल्यूबल. जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड जो है वो इनसॉल्यूबल है, ठीक है ना. सॉलिड इनसॉल्यूबल मीन्स सॉलिड इट इज फॉर्मिंग अ प्रेसिपिटेट, ठीक है ना. इट्स नॉट गेटिंग डिजॉल्व इन द वॉटर, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट गेटिंग डिजॉल्व, तो इट इज फॉर्मिंग सम प्रेसिपिटेट एंड दैट प्रेसिपिटेट इज गोइंग टू सेटल डाउन, ठीक है ना. सो दैट दिस थिंग. अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोक्साइड्स को आइदर ग्रुप 1 जो है एलिमेंट्स इसको बनाते हैं सॉल्यूबल, नहीं तो NH4 बनाता है. तो Al इज नन ऑफ दोज एक्सेप्शन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट्स गोइंग टू रिमेन सॉलिड, ठीक है ना. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी टेबल एक बार में. ये रहा मेरा हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना. तो ऑब्वियसली बात है, दीज सारे जो हैं हमारे, इनको मिला के बनाते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स, NH4, Ca2, Ba2, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्टियम और अमोनियम, ठीक है ना. Al क्योंकि इनमें से किसी में भी नहीं आता है, ठीक है ना. Al जो है वो किसी में भी नहीं आता, एल्यूमिनियम इज़ नॉट कमिंग इन एनी ऑफ दोज, सो दैट्स द रीज़न माई आंसर इज़ गोइंग टू बी सॉलिड ओवर हियर. समझ में आया चिल्ड्रन. अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी MgI2 पे. तो I जो है मेरा अगेन इट्स गोइंग टू बी सॉल्यूबल बिकॉज इट इज़ कमिंग इन हैलोजन, ठीक है ना. इट इज़ अ हैलोजन, है ना. बट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, I को जो है मेक सॉलिड ओनली Pb या Ag या Hg. नाउ Mg इज नन ऑफ दोज एक्सेप्शन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इज गोइंग टू रिमेन एक्वस, ठीक है ना. सॉल्युबिलिटी रूल टेबल अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी जल्दी देख लो बेटा, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. एंड आई एम जस्ट गोइंग गिविंग यू अ ट्रिक, आई एम गिविंग यू अ प्रैक्टिस सो दैट यू गेट थरो, ठीक है ना. इसके अलावा और भी है, हम लोग जल्दी जल्दी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग इस वीडियो को कट शॉर्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे जल्दी. PbI2 अगेन I जो है वो इट इज़ वन ऑफ द हैलोजन, ठीक है ना, एक्वस इन नेचर. एंड Pb इज वन ऑफ द एक्सेप्शन विच इज मेकिंग इट सॉलिड, सो द आंसर इज गोइंग टू बी सॉलिड. दिस मैटर ऑफ दिस कंपाउंड, स्टेट ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी सॉलिड, ठीक है ना. LiCO3 मैंने क्या बोला भाई, कोई भी अगर ग्रुप 1 आपको एलिमेंट मिल जाएगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हमारे को एक्वस ही लिख देना है, चाहे कुछ भी हो. दो कार्बोनेट इज इनसॉल्यूबल, बट Li इज अटैचिंग विद इट, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज सॉल्यूबल. नाउ SO4 अगेन, SO4 इज वेरी मच सॉल्यूबल, बट यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूबल मीन्स एक्वस, ठीक है ना. लेकिन इट हैज़ एक्सेप्शन विच इंक्लूड्स बेरियम, सो एज द बेरियम इज मेकिंग अ कंपाउंड विद सल्फेट ओवर हियर, द आंसर विल बिकम सॉलिड. दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी सॉलिड इन नेचर, ठीक है ना. LiOH अगेन Li, तो कोई भी ग्रुप वन एलिमेंट्स मेकिंग अ कंपाउंड विद अदर एलिमेंट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली एक्वस इन नेचर, ठीक है, रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है. अब Ca3PO4 है, ठीक है, PO4 इज इनसॉल्यूबल, ठीक है, सॉलिड है. लेकिन Ca क्या है, इज अ एक्सेप्शन विद PO4 इज देयर, नो, ओनली ग्रुप 1 एलिमेंट्स, नहीं तो NH4 अमोनिया, ठीक है. एज देर इज नो Ca एक्सेप्शन ओवर देयर टू मेक दिस यू नो एलिमेंट इनसॉल्यूबल, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस कंपाउंड रिमेन्स सॉलिड. यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, मेकिंग सेंस, ठीक है. MgSO4 है भाई हमारे पास, SO4 इज अगेन सॉल्यूबल जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, ठीक है. लेकिन Mg इज नॉट देयर एज एन एक्सेप्शन टू मेक इट सॉलिड, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट गोइंग टू रिमेन एज एक्वस, ठीक है. AlPO4 में देख लेते हैं भाई, PO4 अगेन ओवर हियर इट इज़ सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, ठीक है ना, सॉलिड इन नेचर. बट यहाँ पे क्या हो रहा है,
to make it soluble in nature or aqueous in nature, there is no exception with AL. ठीक है ना? Exception is there only with group 1 elements or with NH4, which is not there. Here we are having only aluminium. So because of that reason, it's going to remain solid. Now BaOH2. OH2 क्या है भाई हमारे पास? OH is hydroxide, is insoluble. ठीक है ना? Insoluble means solid. है ना, मेकिंग अ प्रेसिपिटेट, इट्स नॉट डिजॉल्विंग इन द वॉटर. नाउ बेरियम इज द वन विच मेकिंग इट सॉल्युबल, मीन्स एक्वस, मीन्स डिजॉल्विंग इन वॉटर. है ना, सो वेन बेरियम इज मेकिंग अ कंपाउंड विद ओ एच, इट इज बिकमिंग एक्वस इन नेचर. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी सो दैट यू गाइज कैन मेक अ नोट ऑफ इट. इफ यू हैवन सीन माई सॉल्युबिलिटी टेबल देन प्लीज डू वॉच इट. नाउ दीज आर सम ऑफ द दिस थिंग compounds I have written for you. There are these are 10 compounds. Find the states of matter like solid, liquid, gases or aqueous. है ना, अब gases or liquid आपको find करने की ज़रूरत नहीं है, I have told you already, but find the states of matter of aqueous or solid in it. And this is Alice Raj and I'm signing off.